सब भाई घर पे पहुंच गया, अब चलते अंदर। तो भाई कोरोना की वजह से मास्क लगाया हुआ था, निकाल लिया। तो यार आज मैं क्रोमा आया हूँ और मेरे को लेनी है दो चीजें। एक लेना है मैंने फोन मम्मी के लिए और एक लेना है कुकटॉप, लेना है गैस चूल्हा। तो भाई क्रोमा आया हूँ मैं, क्रोमा जाऊंगा अंदर, अब देखता हूँ अंदर। तो मैं पता ही यार कैमरा आजकल कोरोना के चक्कर में कैमरा में क्या चलाऊंगा, जो भी मैं लूंगा मैं आपको दिखाऊंगा, फोन तो दिखाई दूंगा। और जो है रही बात गैस की, वो एक दो दिन में फिट होता है, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा इसके अंदर आपको कि मैंने कौन से लिया, कितने का पड़ा मुझे। तो अभी मैं जाता हूँ क्रोमा के अंदर, जो फोन लेके आऊंगा। और हाँ, चाइनीज नहीं लूंगा भाई, बैकआउट चल रहा है, चाइनीज नहीं लूंगा, सोच रहा हूँ सैमसंग का ही लूंगा। बने रहिए इस व्लॉग में, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। A few inches later. So guys, भाई बाहर आ गया, ठीक है। तो यार मैंने ले लिया है दो चीजें बताई थी, ले ली मैंने। एक लिया है सैमसंग का फोन M11 है, हाँ M11 है, ये रहा ले लिया भाई। इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग की तो कर ही लिया मैंने, इसके प्रॉपर फीचर मैं आपको आगे बताता हूँ घर जाके कि क्या क्या इसमें है मिल रहा है मुझे, जो मैंने ये लिया सैमसंग M11। और एलिका का मैंने गैस लिया है कुकटॉप 4 बर्नर, तो वो लिया है। और भाई अंदर तो मास्क निकाला नहीं मैंने बिल्कुल भी, भाई कोरोना से बचो, ठीक है। तो अब घर चलते हैं और इसके बारे में बताता हूँ और देखते हैं, मम्मी को सरप्राइज देते हैं, ठीक है। 2 hours later. सो भाई घर पे पहुंच गया, अब चलते अंदर। अंधेरा क्यों है भाई? मम्मी कहाँ हो? फोन नया क्यों भाई? कोलो कोलो ये तेरे की निकालो आता है और ओहो क्या होता है आड़ी अच्छा जो मंगाया था वो क्यों नहीं लाया? वो भी आएगा, वो कल आएगा, ये रहा नया फोन कर रहा हूँ मैं किचन से व्लॉग। अब मैं इसके बेसिक फीचर आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, सबसे पहले अपने M11 के बॉक्स में यार फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है अपने, ठीक है। फास्ट चार्जिंग सबसे बड़ा अच्छा फीचर ये लगा मुझे कि फास्ट चार्जिंग मिल गया, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसमें। और इस पर एक डाटा केबल है, इसकी चार्जिंग वाली केबल जो होती है वो है, और बस और कुछ नहीं आता, बाकी ये सब है कुछ फालतू चीज़ें जो हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। और यार अपना मेन मुद्दा, मेन फ़ोन ये अपना, डिस्प्ले काफ़ी प्यारा है इसका यार, डिस्प्ले देखो। और कैमरा इसका फ्रंट कैमरा यहाँ पे है, ट्रिपल कैमरा है इस पर, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर है सैमसंग M11 इसका मॉडल नंबर है। और इसमें स्नैपड्रैगन 450 है और इस पर अपना 1.8 GHz का प्रोसेसर है ऑक्टा कोर का, ठीक है। और 8 MP का फ्रंट कैमरा है और बैक ट्रिपल कैमरा है इसका, इसका तो मैं ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ अभी। तो ओवरऑल यार मम्मी के लिए यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ठीक है। तो मैं कोई टेक वैक तो नहीं कर रहा, पर मैं नॉर्मली अनबॉक्सिंग बता दिया यार, इसकी रिव्यू दे दिया है मेरे हिसाब से मैंने क्यों लिया। और चाइनीज़ तो मुझे लेना नहीं था, तो भाई सबसे बेस्ट था सैमसंग, तो मैंने सैमसंग ले लिया। सो गाइज, बाकी रही अपनी गैस की कुकटॉप की, तो वो कल होगा सेटअप, तो कल आएगा तो कल मैं वो भी दिखाऊंगा क्या फीचर उसके अच्छे लगे मुझे और क्यों मैंने वो लिया, ठीक है। तो कल उसका भी आप देख लेना ढंग से। तो अभी जो मैंने फोन में सबको दिखा दिया आपको, आप मिलते हैं कल।
फाइनली डिलीवर होने के बाद हमने फिट करवा लिया प्रॉपर तरीके से यार। काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी यार, और काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। तो भाई मेरे को तो मजा आ रहा है इसको देख के। और इसके दो पॉइंट यहाँ पे है कंट्रोलिंग के, और दो पॉइंट यहाँ पे, और ये दो स्मॉल साइज है और ये दो बिग साइज है। और ये देखो चलाने का तरीका, एक बार होल्ड करना है यूं और एक बार घुमा देना है बस यूं। ये देखो यूं ही चलेगा ये, मजा आ रहा है इसको देख के। मजा क्या आ रहा है यार, एक चीज है जो अच्छी लेनी है तो अच्छी लेनी है, एक बार तो लेनी है तो बढ़िया लेनी है। तो मैं आपको भी अब यही रेकमेंड करूंगा एलिका ब्रांड। सो गाइज रही इसकी प्राइसिंग की बात, यार ये टोटल मुझे 16,000 का पड़ा पूरा फिटिंग करवा के। और यार काफी प्रीमियम क्वालिटी मुझे लगी इस प्राइस रेंज के अंदर, और काफी अच्छा ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है, ठीक है। तो उससे बेस्ट मुझे लगा नहीं कोई है अभी इस प्राइस रेंज में और इतने बेटर क्वालिटी के साथ, तो मैंने फिर यही दिया, ठीक है। और बाकी आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा लेने के लिए एलिका, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस डिपेंड करती है। सो गाइज आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और हाँ कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मेरी किस और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।